नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 28 अप्रैल दिन रविवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में बालू क्लस्टर घाटों में से 329 की नीलामी हुई पूरी। बिहार में समर कैंप में आज से 9 राज्यों के 12 विशेषज्ञ बच्चों को देंगे ट्रेनिंग। बिहार में छापेमारी में केमिकल से बने दूध और पनीर जब्त। बिहार में अगले 5 दिनों तक हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट। ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान इन बातों का रखें ख्याल। पानी की बचत के लिए रेलवे ने अपनाया ये उपाय। आईपीएल 2024 में आज आरसीबी और जीटी व सीएसके बनाम एसआरएच का होगा मुकाबला। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 10वीं पास युवाओं के लिए 4000 से अधिक पदों पर बहाली। नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। 10वीं पास युवाओं के लिए 4000 से अधिक पदों पर बहाली निकली है। नौकरी की तलाश में रहने वाले युवा मर्चेंट नेवी में शामिल हो सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 30 अप्रैल है। 30 अप्रैल के बाद इस पर आवेदन नहीं किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट https://seallandmarinetime.in पर विजिट किया जा सकता है। इन पदों के लिए ऑनलाइन अप्लाई भी किया जा सकता है। 10वीं और 12वीं पास युवा फॉर्म भर सकते हैं। संबंधित फील्ड में ITI डिप्लोमा की शर्त को पूरा करना होगा। आयु वर्ग 17.5 से 27 साल तय है। बिहार में बालू क्लस्टर घाटों में से 329 की नीलामी हुई पूरी। बिहार में बालू क्लस्टर घाटों की नीलामी को लेकर अपर मुख्य सचिव को अध्यक्षता में बैठक हुई है। इसमें ये बात निकलकर सामने आई है कि प्रदेश के 35 जिलों के 731 क्लस्टर घाटों से बालू का खनन किया जाना है। इनमें से 329 घाटों में बालू घाटों की नीलामी पूरी कर ली गई है। 174 को इसी प्राप्त हो चुका है। मालूम हो कि राज्य में सरकारी से लेकर गैर सरकारी निर्माण कार्य जारी है। इन निर्माण कार्यों के कारण बालू की मांग लगातार बढ़ी है। इसे देखते हुए खान एवं भूतत्व विभाग बालू आपूर्ति के लिए हर तरह के प्रयास में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि राज्य में 402 घाट ऐसे भी हैं जहां नीलामी का काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। बिहार में समर कैंप में आज से 9 राज्यों के 12 विशेषज्ञ बच्चों को देंगे ट्रेनिंग। बिहार के पटना में समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। आज से इसकी शुरुआत हो रही है। किलकारी बाल केंद्र में समर कैंप की शुरुआत की जा रही है। इसमें बच्चों को नृत्य, संगीत, वादक, नाटक, फोटोग्राफी एंड साउंड एडिटिंग आदि की ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही उन्हें कई तरह की प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। किलकारी की चक धूम धूम समर कैंप 15 मई तक के लिए आयोजित की जाएगी। इनमें 9 राज्यों के 12 कलाकार बच्चों को ट्रेनिंग देंगे। बच्चे 70 से भी अधिक एक्टिविटी में भाग ले सकते हैं और इसमें रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त है। आपके अनुसार क्या समर कैंप से बच्चों को लाभ पहुंचेगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे कष्टहरणी घाट के बारे में। कष्टहरणी घाट मुंगेर जिले का एक प्रसिद्ध घाट है। ये घाट गंगा नदी के किनारे बना हुआ है। ये घाट बहुत सुंदर है। इस घाट से गंगा नदी का दृश्य बहुत ही आकर्षक लगता है। यहाँ पर आप आकर स्नान कर सकते हैं और यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ आप घूमने के लिए जा सकते हैं। लोगों के अनुसार इस घाट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ गंगा स्नान कर मंदिर में आराधना करने से कुष्ठ रोग दूर हो जाता है और यहाँ पर अंग देश के राजा करण घाट पर स्नान करने अपनी दैनिक पूजा प्रारंभ करते थे। भगवान राम ने भी यहाँ स्नान कर विश्राम किया था। ये जगह बहुत पवित्र है और आपको यहाँ पर आकर अच्छा लगेगा और बहुत सारे मंदिर देखने को मिलेंगे। हाई कोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली को लेकर जांच के लिए दिया आदेश। बिहार के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली मामले में निगरानी विभाग को जांच का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने बीते दिन 15 पन्नों का जजमेंट दिया है। ये मामला साल 1997 में 1100 असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली का है। इस दौरान बिहार के राज्यपाल विनोद चंद्र हुआ करते थे। बहाली के दौरान इनका ट्रांसफर अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया था। इसके बाद राज्यपाल एम राजा जोइस ने कंडीशनल अपॉइंटमेंट करवाया था। बहाली के लिए सिर्फ भागलपुर के विश्वविद्यालयों में रिक्यूजन भेजा गया था। अन्य विश्वविद्यालयों में इसे नहीं भेजा गया था। साथ ही मामले की जांच के लिए बिहार सरकार से कहा गया था। अब जल्द ही मामले की जांच पूरी की जाएगी। बिहार पुलिस ने रैंसम वेयर अटैक से बचने को लेकर किया अलर्ट। बिहार पुलिस ने रैंसम वेयर अटैक से बच्चों को लेकर अलर्ट किया है। साथ ही जानकारी दी कि रैंसम वेयर एक तरह का मेलवेयर है। इसके जरिए साइबर अपराधी किसी कंप्यूटर की फाइलों को एनक्रिप्ट कर देता है। साथ ही डिस्क्रिप्शन के लिए फिरौती यानी रैंसम की मांग करता है। इससे बचने के लिए कुछ तरीकों का पालन करना होता है, जैसे कि संदिग्ध ईमेल को नहीं खोले, अपने एंटीवायरस को अपडेटेड रखें, संदिग्ध वेबसाइट और विज्ञापन पर क्लिक करने से बचें, सॉफ्टवेयर को
नवीनतम पैच के साथ अपडेटेड रखें, डेटा के बैकअप को बार बार लेते रहें और उसे ऑफलाइन जरूर रखें। बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ी डिमांड। बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग में बढ़ोतरी देखने को मिली है। सिर्फ अप्रैल के महीने की बात की जाए तो उस महीने में 32,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन बिक चुके हैं। वहीं बीते साल इसी समान अवधि में महज 23,000 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री संभव हो सकी थी। बीते साल के मुकाबले इस साल में 60% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राज्य में अब तक 2.37% इलेक्ट्रिक वाहनों को बेचा गया है। साल 2017 में महज 3,595 इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद हुई है। इसमें समय के साथ साथ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बिहार में फायर सर्विस के नियमों में होगा बदलाव। राजधानी पटना में हुए अगलगी कांड के बाद बिहार में फायर सर्विस के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। अब तक अपने बिल्डिंग या संस्थान में फायर ऑडिट करवाने के लिए लोगों के द्वारा आवेदन किया जाता था। आवेदन मिलने के बाद फायर सर्विसेज की टीम आकर रिपोर्ट को तैयार करती थी। मानकों के आधार पर बदलाव के सुझाव की जानकारी दी जाती थी, लेकिन अब नियमों में बदलाव किया जाएगा। इस संबंध में गृह विभाग को पत्र भेजकर मंजूरी मांगी जाएगी। बिहार होमगार्ड और फायर सर्विसेज की डीजी शोभा ओहटकर ने इस संबंध में जानकारी दी है। वहीं एक महीने में सुधार नहीं करने पर बिल्डिंग को सील कर दिया जाएगा। ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान इन बातों का रखें ख्याल। ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान कुछ बातों का ख्याल रखना बेहद ही जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। कुल बातों का ख्याल रखकर आप धोखाधड़ी से बच सकते हैं। मालूम हो कि भारत में शॉपिंग करने के लिए कई ई कॉमर्स वेबसाइट हैं, लेकिन सभी वेबसाइट या ऐप पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। शॉपिंग करने से पहले सबसे पहले ये देखना बेहद जरूरी होता है कि साइट नकली है या फिर नहीं। वेबसाइट के लिंक की शुरुआत में HTTPS है तो इस पर भरोसा किया जा सकता है। कभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। पेमेंट करने के दौरान हमेशा सतर्क रहना चाहिए। इसके अलावा वेबसाइट के टर्म एंड कंडीशन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। बिहार के जमुई में जमीन के नीचे से निकला करोड़ों का खजाना। बिहार के जमुई जिले में स्थित सिकंदरा में 45 टन लौह अयस्क मैग्नेटाइट की माइनिंग की जाएगी। इसके माइनिंग के लिए नीलामी की जाएगी। आचार संहिता खत्म होते ही नीलामी की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। आपको बता दें कि जिले के सिकंदरा इलाके में मैग्नेटाइट का 45 मिलियन टन का भंडार मिला है। इसका बाजार मूल्य 3,500 करोड़ का है। मैग्नेटाइट लौह अयस्क का करीब 45 मिलियन टन के भंडार के खनन की तैयारी शुरू हो चुकी है। बताया जाता है कि इस इलाके में 2,000 एकड़ के क्षेत्रफल में लौह अयस्क का भंडार छिपा हुआ है। इसके लिए नीलामी की प्रक्रिया फाइनल स्टेज में ही है। नियम के तहत भूमि अधिग्रहण का काम किया जाएगा। पानी की बचत के लिए रेलवे ने अपनाया ये उपाय। भारतीय रेलवे के द्वारा हाल ही में एक उपाय अपनाया गया है। पानी की बचत के लिए रेलवे ने ये कदम उठाया है। वंदे भारत ट्रेनों में यात्रा कर रहे यात्रियों को 1 लीटर रेल नीर की बोतल की जगह 0.5 लीटर की बोतल दिया जाएगा। ये बदलाव पीने के पानी की बचत के उद्देश्य से किया गया है। साथ ही इस तरह से संसाधनों का अधिक कुशलता के साथ उपयोग हो सकेगा। वंदे भारत ट्रेन में अब हर यात्री को 500 मिलीलीटर की एक नीर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर दी जाएगी। इसके अलावा इनके पास ट्रेन के कर्मचारियों से बिना शुल्क अतिरिक्त 500 मिलीलीटर बोतल मांगने का विकल्प होगा। आचार्य किशोर कुणाल को फ्रांस के सीनेट में दिया जाएगा अवार्ड। महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल को भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। 5 जून को इन्हें पेरिस स्थित फ्रांस के सीनेट में पुरस्कार दिया जाएगा। संस्कृत युवा संस्था भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा। संस्कृति युवा संस्था के अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा ने महावीर मंदिर को ईमेल कर इसकी आधिकारिक जानकारी दी है। पेरिस में होने वाले अवार्ड शो में जाने माने हस्तियों को आमंत्रित किया जाएगा। आचार्य किशोर कुणाल को देश के गौरव के प्रतीक के रूप में 11वां भारत गौरव अवार्ड दिया जाएगा। के पाठक को एफिलिएटेड डिग्री कॉलेजों में मिली है गड़बड़ी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को एफिलिएटेड डिग्री कॉलेजों के ऑडिट में गड़बड़ी मिली है। बिहार में संचालित 285 संबद्ध डिग्री कॉलेजों में अंकेशन कराने की तैयारी की जा रही है। के पाठक ने 2 दिनों के अंदर कार्य योजना देने को कहा है। शिक्षा विभाग के पोर्टल पर एफिलिएटेड कॉलेजों ने वित्तीय वर्ष का अंकेशन रिपोर्ट अपलोड कर दिया है। इसमें कई खामियां सामने आ चुकी हैं। जानकारी के अनुसार विभाग को कई बड़ी वित्तीय अनियमितताएं मिली हैं। आपको बता दें कि कॉलेजों के नक्शा से लेकर पुस्तकालय की स्थिति आदि की जाँच की जा रही है।
बिहार में अगले 5 दिनों तक हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट। बिहार में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है, ऐसे में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। 1 मई तक पूरे राज्य में झुलसाने वाली गर्मी को लेकर अलर्ट है। राजधानी पटना समेत दक्षिण एवं उत्तर बिहार के अलग अलग जिलों में लू, येल्लो और ऑरेंज अलर्ट है। संभावना जताई गई है कि बिहार में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। ऐसे में लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। आज दरभंगा, मोतिहारी, शेखपुरा, जमुई, बांका, गोपालगंज और खगड़िया में लू का येलो अलर्ट है। बेगूसराय की बेटी ने राष्ट्रीय सीनियर फेडरेशन कप में रचा इतिहास। बेगूसराय की बेटी जूही ने राष्ट्रीय सीनियर फेडरेशन कप में इतिहास रच दिया है। इसमें बालिका वर्ग कुश्ती प्रतियोगिता 65 किलोग्राम भारत वर्ग में भगवानपुर प्रखंड की निवासी जूही कुमारी कांस्य पदक अपने नाम किया है। इस तरह से उन्होंने सिर्फ अपने जिले का ही नहीं बल्कि पूरे राज्य का मान बढ़ाया है। जूही ने यह खिताब को हासिल करके इतिहास रच दिया है। जानकारी के अनुसार जूही का यह सपना है कि वो कॉमनवेल्थ, एशियाई और ओलंपिक में पदक हासिल करे। इनका लक्ष्य ओलंपिक मेडल हासिल करने का है। बिहार में भारी मात्रा में शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस एक्शन मोड में है। अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में जमुई के सिकंदरा प्रखंड में सब्जी लदे पिकअप वाहन से 58 पेटी शराब को जब्त किया गया है। साथ ही इस दौरान पुलिस ने 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जाँच में जुटी हुई है, साथ ही आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान शराब तस्करों को पकड़ा है। ये पुलिस को देखकर भाग रहे थे। बताया जाता है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की है। फिलहाल शराब की खेप कहां से आई और सप्लाई की जा रही थी, इसकी जांच हो रही है। बिहार में जापानी महिला से लाखों की लूट। बिहार के बोधगया में दिन दहाड़े विदेशी महिला से 2 लाख रुपए की लूट हुई है। जापानी महिला युको मोमोस अपने देश जापान जा रही थी, उसी दौरान लुटेरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पीड़ित जापानी महिला अपने पति के साथ जापान जा रही थी। इस दौरान 4 लोगों ने छिनतई की घटना को अंजाम दिया है। इस घटना की जानकारी पास के ऑटो वालों को दी गई थी। उन्होंने आसपास के लोगों से इस बात की सूचना दी। इसके बाद ग्रामीणों ने एक युवक को पकड़ लिया, वहीं 3 लोग भागने में सफल रहे। फिलहाल बोधगया पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है। इसके बाद पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है और अन्य की तलाश कर रही है। बिहार में छापेमारी में केमिकल से बने दूध और पनीर जब्त। बिहार की राजधानी पटना में बड़ी कार्रवाई की गई है। यहां छापेमारी के दौरान बड़े पैमाने पर केमिकल से बने हुए दूध और पनीर को जब्त किया गया है। सरकार के द्वारा मिलावट से बने हुए दूध, पनीर और खाने की वस्तुओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में खाद्य विभाग ने पटना जिला पुलिस के सहयोग से मनेर के अलग अलग इलाकों में छापेमारी और मिलावटी दूध और पनीर के फैक्ट्री का खुलासा किया है। बरामदगी के बाद सभी सामान को सील कर दिया गया है। वहीं इस दौरान इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। तेजस्वी यादव का बयान, भारी डिप्रेशन में है भाजपा। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के लोग भारी डिप्रेशन में चले गए हैं। लोकसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान हो जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा भूल चुकी है। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि पीएम मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार देने की बात, गरीबी की स्थिति की बात नहीं हो रही है। भाजपा के लोग धर्म की राजनीति करते हैं, चुनाव में ये इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जनता को सभी बातों की जानकारी है, इससे बीजेपी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। बक्सर से भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी ने सुधाकर सिंह को कही ये बात। बक्सर से भाजपा के उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी ने जीत का दावा किया है। साथ ही कहा है कि मेरी बराबरी करने में सुधाकर सिंह को 10 जन्म लग जाएंगे। दरअसल इससे पहले इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस देश में गोडसे की विचारधारा को लागू करना चाहते हैं, लेकिन ये देश महात्मा गांधी की विचारधारा से चलती है। इसके बाद अब मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि लालू यादव हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं। 4 जून को ये पता चल जाएगा कि बक्सर का विजेता कौन है। महागठबंधन चारों खाने चित हो जाएगा। प्रशांत किशोर का बयान, बिहार की दशा नहीं सुधारने पर यूपी और एमपी में भी हमें मारा जाएगा। जनसुराज पद यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा है कि वो दिन दूर नहीं, अगर बिहार की दशा नहीं सुधरी तो 5 बरस बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी हमें मारा जाएगा और कहेंगे कि बिहारियों को भगाओ। इसलिए बिहार ने सबसे जरूरी है कि पलायन को रोका जाए, क्योंकि जहां जाइए पूरे देश में जिसको भी 100 मजदूरों की जरूरत होती है उसको कहा जाता है कि जाओ बिहार से मजदूर पकड़ कर ले आओ। लालू यादव और नीतीश कुमार ने 32 सालों में बिहार को मजदूर बनाने की फैक्ट्री बना दी है। हम लोगों का आत्मसम्मान ही मर गया है, पेट काट कर मजदूरी करेगा और इसी में जीवन बीत जाएगा।
मुजफ्फरपुर सांसद का छल का दर्द, भाजपा को लेकर कही ये बात। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट का चुनाव काफी दिलचस्प हो चुका है। यहाँ पर दोनों ही गठबंधन के प्रत्याशी अदल बदल गए हैं। पिछले चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार राज भूषण निषाद इस बार एनडीए की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पिछली बार भाजपा के टिकट पर सांसद बने अजय निषाद इस बार कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। ईटीवी को दिए गए साक्षात्कार में वर्तमान सांसद अजय निषाद का दर्द सामने आया है। उन्होंने कहा है कि एनडीए में उनके साथ नाइंसाफी हुई है। इस बात को लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे और उन्हें जनता का प्यार और समर्थन मिल रहा है। आईपीएल 2024 में आज आरसीबी और जीटी व सीएसके बनाम एसआरएच का होगा मुकाबला। आईपीएल 2024 में आज दो अहम मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जीत का पूरा प्रयास करेगी। सीएसके ने 8 मैच में से 4 में जीत हासिल की है। ये अंक तालिका में 5वें स्थान पर है। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम तीसरे नंबर पर चल रही है। आज गुजरात की टीम और आरसीबी के बीच भी मुकाबला होने वाला है। गुजरात की टीम 9 मैच में 8 अंक के साथ तालिका में 7वें स्थान पर है। वहीं आरसीबी ने अब तक 2 मैचों में जीत हासिल की है, इसलिए इस टीम के लिए आगे का मैच जीतना काफी अहम हो जाता है। आपके अनुसार आरसीबी और जीटी व सीएसके बनाम एसआरएच में कौन सा मुकाबला दिलचस्प होने वाला है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर जरूर बताएं। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। बीजी तिलक ने 1916 में भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना की है। दुनिया भर में 2003 में कर्मचारी सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 2008 में PSLV-C9 के साथ छोड़कर एक नया इतिहास रचा। 1791 में महाराजा रणजीत सिंह ने सेना अध्यक्ष हरि सिंह नलवा का जन्म हुआ था। भारतीय फिल्मों की प्रसिद्ध डिजाइनर भानु अथैया का 1929 में जन्म हुआ था। 1971 में हिंदी फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक निखिल आडवाणी का जन्म हुआ था। मराठा शासक पेशवा बाजीराव प्रथम का 1740 में निधन हुआ था। 1740 में बाजीराव प्रथम की दूसरी पत्नी मस्तानी का निधन हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कन्नड़ भाषा के प्रमुख साहित्यकार विनायक कृष्ण गोकाक का 1992 में निधन हुआ था। व्हाट्सएप अकाउंट इस गलती के कारण हो सकता है ब्लॉक। व्हाट्सएप पर कुछ गलतियों को करने के बाद आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, इसलिए सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कभी भी बिना सोचे समझे मैसेज को फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। कभी भी फेक और स्पैम मैसेज को फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। ऐसे मैसेजेस पर व्हाट्सएप के द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाती है। वहीं कुछ भी संदिग्ध पाए जाने पर अकाउंट को ब्लॉक किया जा सकता है। व्हाट्सएप के प्राइवेसी पॉलिसी को नहीं तोड़ना चाहिए। थर्ड पार्टी ऐप के माध्यम से कम्युनिकेशन की अनुमति नहीं होती है। ऐसा करने पर अकाउंट बैन हो सकता है। साथ ही दूसरे की डिटेल से आप इस ऐप को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा खोजी गई है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है त्रिपुरा। इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है? ऑप्शन ए है वोडा आइडिया, ऑप्शन बी है सेंचुरी लिंक, ऑप्शन सी है रिलायंस जियो, ऑप्शन डी है विजन। इसका सही उत्तर है रिलायंस जियो। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक कहाँ लगाई गई है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है नागपुर, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है भोपाल। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। बिहार का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए है किशनगंज, ऑप्शन बी है नालंदा, ऑप्शन सी है भागलपुर, ऑप्शन डी है गया। इसका सही उत्तर है गया। बुद्ध की प्राचीन मूर्ति किस स्थान पर प्राप्त की गई है? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है बक्सर, ऑप्शन सी है बोधगया, ऑप्शन डी है नालंदा। इसका सही उत्तर है बोधगया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है रवि रंजन, पवन सिंह, यादव सिंह, राजेश मांझी, बलराम मंडल, शोभानंद ठाकुर, राजीव कुमार, जितेंद्र कुमार सहनी, रंजित मिश्रा, भारत प्रसाद, मोतीलाल कुमार, मुरारी कुमार ठाकुर, विजय चौधरी। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की राज का सवाल है, साइबर अपराध से बचने के लिए आप किन बातों का ख्याल रखते हैं? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।